रिपोर्ट की हेडलाइन में हमने लिखा है कि रिया चक्रवर्ती ने अपने भाई शोविक चक्रवर्ती को लेकर लिया बड़ा फैसला। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि मुंबई में एनडीपीएस की एक विशेष अदालत ने रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक चक्रवर्ती की जमानत मंजूर करते हुए कहा था कि नशीले पदार्थों के लिए अवैध रूप से धन दिलवाना का आरोप इस मामले पर लागू नहीं होता। ये आदेश तो दिसंबर को पास किया गया था। शोविक को सुशांत सिंह राजपूत मामले से जुड़े ड्रग मामले पर गिरफ्तार किया गया था। एनसीबी ने शोविक को धारा 27A के साथ एनडीपीएस के कड़े प्रावधानों के तहत इस साल सितंबर में गिरफ्तार किया गया था। विशेष एनडीपीएस अदालत ने न्यायाधीश जीबी गुराव ने शोविक की जमानत मंजूर करते हुए कहा कि एनडीपीएस कानून की धारा 27A के आरोप शोविक के मामले में लागू नहीं होते। एनडीपीएस कानून की धारा 27A नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए और मदद देने के लिए आरोपियों को पनाह देने से जुड़ी है। इसके साथ 10 से 20 साल तक के कड़े जेल में रहने की सजा तय की गई है। इसी के साथ आपको बता दें कि एनडीपीएस कानून की धारा 37 के तहत उस आरोपी की जमानत पर रिहाई के लिए कड़े प्रावधान बनाए गए हैं जिसके खिलाफ धारा 19 या धारा 24 या धारा 27A के तहत मामला दर्ज किया गया हो। बता दें कि अपने भाई शोविक के बाहर आने पर रिया चक्रवर्ती ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। ये फैसला है रिया चक्रवर्ती का अपने भाई शोविक के करियर को बनाने का और भाई शोविक को अब कहीं दूर ले जाने का, जहां पर नए सिरे से रिया अपने भाई शोविक और अपने परिवार के साथ नए सिरे से जिंदगी जी सके, जहां पर अब रिया पर सुशांत सिंह राजपूत और उस मामले से जुड़ी कोई भी चीज सामने ना आए जिससे उसके भाई शोविक, रिया और उसके परिवार का नाम खराब हो। इसीलिए रिया ने भी अब ड्रग्स छोड़ने का और इस ड्रग्स मामले पर जुड़े रहने के फैसले पर एकदम कड़ा फैसला लिया है। उसने कहा है कि अब से वो ड्रग्स नहीं लेगी और ना ही भाई को लेने देगी और अब वो अपने भाई को इस ड्रग्स के दलदल से निकाल कर उसका अच्छा करियर, अच्छा भविष्य बनाएगी। ऐसी खबरें अब शोविक के जमानत के बाद रिया और शोविक को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अब इस खबर में कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि अभी तक नहीं की गई। नेक्स्ट 9 लाइव से रजनी की रिपोर्ट।